बस भी वही कहानी कह रहा है, ये कह रहा है कि दो समुद्र त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं 100 सेंटीमीटर है और 64 सेंटीमीटर। यदि छोटे त्रिभुज की एक माध्यिका 5.6 है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका, तो मान लेंगे अब की बार माध्यिका दिया ऊंचाई की जगह, मान लेंगे कि दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका x है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिका है ना जी, यहाँ माध्यिकाओं संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक का क्षेत्रफल 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे का जो भैया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि छोटे त्रिभुज की माध्यिका, छोटा है मतलब कि जिसकी क्षेत्रफल छोटा होगा, तो ये ऊपर x लिखेंगे आपकी बार और नीचे 5.6 इसका स्क्वायर, यहाँ से काट सकते हैं क्या जी, या फिर एक काम करो ना, पहले स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 10 का और नीचे जो है 8 का होल स्क्वायर बराबर में x बटा 5.6। अच्छा एक काम करो ना, अंदर काट दो, कितना से कटेगा, यहाँ पे काट सकते हैं 2 से, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, स्क्वायर स्क्वायर हटा देते हैं, 5/4 बराबर में x बटा 5.6, ठीक है, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 5×5.6, यही ना होगा जी। चलिए इसको भाग में भेजते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5×5.6/4, ये काट देंगे 1.4 में 5 से गुना कर देंगे, आपका 7 आ जाएगा, यानी कि दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका जो है वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, समझ गए। चलते हैं, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे बुक का लिंक दिया है, आपका पूरा बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताएंगे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।